वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। संडे की इस मॉर्निंग में फाइनली मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने वीकली डिफेंस करंट अफेयर्स में। बिफोर आई इवन टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स, आज एक बहुत बड़ा दिन है। टुडे इज 15th of January और आज के दिन ही हम लोग मनाते हैं इंडियन आर्मी डे। तो इंडियन आर्मी डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि हम लोग इंडियन आर्मी डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डिफेंस करंट अफेयर। जो वीकली करंट अफेयर्स है जो 9th से 14th के बीच में हुआ उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। बिफोर आई इवन स्टार्ट मेक श्योर यू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स। अगर पॉसिबल है तो लाइक जरूर कर दें ताकि ये सेशन आपकी लाइक वीडियोस में ऐड हो जाए और बाद में भी आप इसको आराम से रिविजन के लिए यूज कर सके। दैट्स मी आकाश चंदेव, एज यू ऑल नो मी। आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं ताकि जो मैं फ्री सेशंस लेता हूँ, जैसे आज मैं संडे मॉक लेने वाला हूँ, एक बहुत शानदार मॉक टेस्ट होगा 12 बजे विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं चाहूंगा कि आप उसको अटेम्प्ट जरूर करें। बहुत शानदार कंसेप्चुअल टेस्ट होने वाला है। उसके साथ ही 6 PM आई विल बी कमिंग लाइव ऑन यूट्यूब एंड उस सेशन में हम लोग क्विज करेंगे इसी करंट अफेयर के ऊपर बेस्ड। तो मेक श्योर कि आप उस क्विज को भी लाइव अटेम्प्ट जरूर करें। ऑन दिस नोट आई विल स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स और हमेशा की तरह मैं डिफेंस के करंट अफेयर से ही स्टार्ट करूंगा कि इस वीक में डिफेंस की कौन से इंपॉर्टेंट चीजें थी, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो एग्जाम तक आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ मिलिट्री एक्सरसाइज वीर गाजन। अब आई थिंक आपको इसके लोगों को देख के पता चल रहा होगा यहां पे इंडियन एयरफोर्स और जापानीज एयरफोर्स इन्वॉल्व है। नाउ इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी यू नो मिलिट्री एक्सरसाइज। मैं आपको पहले बताऊं ये कोई ऑर्डिनरी ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जहां पे एयरफोर्स आपस में कोलैबोरेट कर रही है। इट्स वेरी स्पेशल वन। पूरे कंटिजेंट में अगर आप देखें यहां पे एक बहुत स्पेशल आपको एक चेहरा दिखाई दे रहा है। हु इज शी? शी इज अवनी चतुर्वेदी और अदर आई शुड से स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी। नाउ शी इज द फर्स्ट वुमेन पायलट टू टेक पार्ट इन द वॉर गेम्स एब्रॉड। भारत के बाहर वॉर गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाली पहली महिला पायलट बन गई है हमारी अपनी अवनी चतुर्वेदी। नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये जो वॉर गेम्स है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये इंडिया और जापान के बीच में तो हो ही रही है, बट यू गॉट टू बी अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज अ मेडन एयर एक्सरसाइज जो कि इंडिया और जापान के बीच में हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज तक कभी भी इंडिया और जापान के बीच में ये नहीं हुई है। तो वीर गार्जन जो हो रही है दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसलिए बहुत स्पेशल है। आपने धर्मा गार्डन सुनी होगी, आर्मी उसमें आपस में आती है एक साथ, लेकिन आपने एयरफोर्स की एक्सरसाइज भी सुनी होगी क्योंकि पहली बार हो रही है। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। अब सुखोई है, ग्लोब मास्टर टैंकर्स वगैरह इसमें जा रहे हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत न्यूज में था लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन ऑयल इंडियन आर्मी के लिए बनाया है किसने? भारत पेट्रोलियम ने। सो सवाल ऐसे आपको आ सकते हैं कि भाई किसने ये लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन ऑयल बनाया है इंडियन आर्मी के लिए? तो वो कंपनी है भारत पेट्रोलियम। सो यू गॉट टू बी वेरी क्लियर कि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसको किस प्रकार से हम लोग टैकल करते हैं, और करंट अफेयर भी पढ़ के आप डिकोड करें कि इससे क्वेश्चन बन सकता है, अगर बन सकता है तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। मूविंग अहेड, नाउ इंडियन नेवी हैज अनाउंस अ कोलैबोरेशन विद अ कंपनी सागर डिफेंस इंजीनियरिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है कि ये सब कुछ स्प्रिंट इनिशिएटिव के अंडर किया जा रहा है। हम लोग ऑटोनमस जो बोट्स फॉर्म्स हैं उनको बेसिकली बनाना चाह रहे हैं, उनको डेवलप करना चाह रहे हैं। मैं पहले आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज स्प्रिंट इनिशिएटिव। स्प्रिंट मतलब सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन R&D थ्रू इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सलेंस। सो दैट्स द स्प्रिंट इनिशिएटिव। 2020 की बात है, हमने देखा नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO को एस्टैब्लिश किया गया। फाइन, नाउ NIIO यही है जो स्प्रिंट इनिशिएटिव को देखती है। आपको बस ये चीज समझनी है कि जो भी अकेडमी है, मतलब जो स्कॉलर्स वगैरह हैं, जो इंडस्ट्री है, जो इनोवेशन के लोग हैं, उनको एक साथ ला के ये खड़ा करते हैं इनिशिएटिव। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रमोट्स द डेवलपमेंट एंड यूसेज ऑफ मेड इन इंडिया, दैट इज इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी बाय डोमेस्टिक कंपनीज। हमारी अपनी इंडियन कंपनीज जो है जो डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाती है उसको यूज करने की यहां पर बात होती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये थोड़ा सा हमें यहां पे अंडरस्टैंड करना होगा। क्लियर है जी इतना? अब
हैविंग सेड दैट, जैसे कल की एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी कि 7th आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया देहरादून में. दैट इज हमने देखा 14th दिसंबर को, मतलब 14 जान को ही ये डे होता है, 15 को आर्मी डे होता है, 14th को हम लोग आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे को ऑब्जर्व करते हैं. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे कार एक्सपेडिशन फ्रॉम देहरादून टू घमशाली जो नीति वैली में है, जिसको सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज बोलते हैं. उसके बाद ये पता होना चाहिए 2016 में पहली बार वेटरन्स डे जो है ऑब्जर्व किया गया था. क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि के एम करियप्पा साहब जो है इसी दिन 1953 में रिटायर किए थे, तो इनकी रिटायरमेंट इस दिन हुई थी एंड दैट इज वाई हमने 2016 से उसी दिन को एज आर्म फोर्सेज वेटरन्स डे मनाना शुरू कर दिया. सो इट्स एज सिंपल एज दैट. सो आपको मतलब ये छोटे से छोटा पॉइंट भी पता होना चाहिए कि क्या उस पर्टिकुलर पॉइंट की रेलेवेंस है. क्लियर है जी? मूविंग अहेड, हम लोग अब बात करते हैं थोड़ी स्पोर्ट्स की, करंट अफेयर की बात करते हैं. वी नो खेलो इंडिया यूथ गेम की जब भी बात आती है, सो वी टॉक अबाउट मध्य प्रदेश. अभी मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा न्यूज में था बीइंग द होस्ट ऑफ दीज गेम्स. अगर एक तरफ होस्ट इंपॉर्टेंट है तो दूसरी तरफ मैस्कॉट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके. तो मैं बताना चाहूंगा इसके मैस्कॉट्स है आशा द चीता, यहां पे आप देख सकते हैं, एंड मोगली. यहां तक की जो स्मार्ट टॉर्च है इसका नाम क्या है? इसका नाम है अमरकंटक. तो एक क्वेश्चन मान लीजिए आपको आता है कि विद रिगार्ड्स टू खेलो इंडिया यूथ गेम्स व्हाट इज अमरकंटक, वो आपको ऑप्शन देगा, मैस्कॉट, स्मार्ट टॉर्च, ठीक है, स्टेडियम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा. तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई पूछता है कि भी अमरकंटक बहुत न्यूज में, तो अमरकंटक क्या है? तो अमरकंटक इज बेसिकली द स्मार्ट टॉर्च जो आपको देख रहे होंगे, चौहान साहब ने पकड़ी है, सीएम ने पकड़ी है. और आशा द चीता और मोगली किसके मैस्कॉट हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मैस्कॉट हैं. तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाएगा, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट पर्टिकुलर पॉइंट. सिंपल, क्लियर है? मूविंग अहेड, हम लोग बात करते हैं अनाहत सिंह, बहुत ज्यादा न्यूज में थी. सो व्हाई वाज शी इन अ लॉट ऑफ न्यूज? लेट मी फर्स्टली एक्सप्लेन दिस टू यू. दैट इज, ये स्क्वॉश चैंपियन है इंडिया की, स्क्वॉश बहुत अच्छा खेलती है एंड शी इज वेरी यंग एट दिस एज, शी इज डूइंग रियली वेल. अंडर 15 की जो एक चैंपियनशिप है, ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट, बहुत प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट है बर्मिंगम में, शी क्लिंच्ड दैट, शी वन दैट. तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनाहत सिंह कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएट करती हैं. शी इज वेरी मच एसोसिएटेड विद स्क्वॉश. ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं आपसे, किसी भी प्लेयर के बारे में पूछ लेंगे कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, यू शुड बी वेरी क्लियर इन दिस रिगार्ड. मूविंग अहेड, विराट कोहली वॉज इन अ लॉट ऑफ न्यूज. He was playing a game against Sri Lanka और इन्होंने 45th ODI सेंचुरी तो लगाई ही, 73rd ओवरऑल इंटरनेशनल 100 थी, लेकिन इसके अलावा इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को इक्वल कर दिया. तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर का 20 हंड्रेड्स एट होम. अब कोहली ने भी उतने तो मार दी हैं, अगर वो एक सेंचुरी और मार देते हैं तो वो हाइएस्ट इस लिस्ट में हो जाएंगे, टॉप पे चले जाएंगे, मोस्ट सेंचुरीज एट होम का रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएगा अगर वो ऐसा करते हैं तो. एनीवेज, नाउ हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग. आपको एक वर्चुअल वर्ल्ड दिखाई दे रहा होगा, एक स्टेडियम दिखाई दे रहा होगा, वहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है और वो दौड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह. सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस थिंग ऑल अबाउट? दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ टाइप ऑफ मेटावर्स. हम लोग मेटावर्स की बात करते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो हम इस हॉकी कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो हॉकी वर्स बोलेंगे. तो पहले मैं आपको बताऊं, हॉकी इंडिया is the first national sports body to have its own metaverse. देखिए, आप जानते होंगे कि उड़ीसा हॉकी का वर्ल्ड कप होस्ट कर रही है. अब उड़ीसा इसको होस्ट कर रही है, सब लोग तो नहीं आ सकते स्टेडियम्स देखने, तो यहां पर इन्होंने अपना एक हॉकी वर्स बनाया है. यहां पे आप राउरकेला स्टेडियम में जा सकते हो, एक टाइम मशीन ये लोग बनाएंगे, वर्चुअली आप इस इवेंट को अटेंड कर सकते हो. इसके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन जो स्ट्रक्चर है उसको बनाया गया है, इस मेटावर्स को तैयार किया गया है. ये एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट भी है कि ये चीजें कितनी सक्सेसफुल होंगी कितनी नहीं होंगी हमें यहां से पता चलेगा. सो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट इवेंट, आई रियली होप सो. तो आपको इस चीज को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है. सो बस इतना याद रखिएगा, कौन सी स्पोर्ट्स में मेटावर्स बहुत न्यूज में रहा? हॉकी में रहा, यह भी एक रीजन है बिकॉज हॉकी में अभी वर्ल्ड कप हो रहा है उड़ीसा में, इंडिया में, तो यह इसलिए भी बहुत ज्यादा न्यूज में था. मूविंग अहेड, हम लोग अब नॉर्थ ईस्ट चलते हैं एंड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट उमियम विच इज अ प्लेस इन मेघालय. उमियम बहुत न्यूज में थी बिकॉज यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट सरकार ने ऑर्गेनाइज किया एंड दैट इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023.
तो नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 कहां पे हुआ है? इट हैज टेकन प्लेस इन उमियम. उमियम इज अ प्लेस इन मेघालय. तो आपको ये जरूर पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट में हुआ है. तो उमियम तो चाहे ना भी पूछे, स्टेट पूछेगा मेघालय, त्रिपुरा, यू नो मणिपुर, असम, कुछ भी पूछ लेगा. तो यू शुड नो कि टुक प्लेस इन मेघालय. तो यहां पे अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इनकम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ द फार्मर, इन्हीं चीजों की बात की गई. कुंभ का मतलब क्या होता है? जैसे मेला, तो एक कृषि कुंभ है, कृषि के मेला है. बस इतना भी याद रखेगा, मेघालय इज द प्लेस विच वॉज इन अ लॉट ऑफ न्यूज बिकॉज ऑफ दिस थिंग. दैट्स इट. काफी सारे स्टॉल लगे, काफी सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारे फार्मर्स आए. दैट्स इट. तो कुल मिला के देखिए मेन आइडिया क्या होता है. मेन आइडिया होता है कि हम कैसे नई टेक्नोलॉजी फार्मर्स तक पहुंचाएं, उनको नई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से रूबरू करवाएं, ताकि उनकी जो उपज है उसको एनहांस किया जा सके, उसको इंप्रूव किया जा सके. कुल मिला के बात यह है. तो इसीलिए ये इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. रिसेंटली 122 फुट का प्लेयर जो होता है, पोलो प्लेयर, पोलो पता है ना आपको, उसका स्टैचू मणिपुर में बनाया गया. मणिपुर में मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट हुआ था, तो वहां पे हमने देखा ये बहुत शानदार स्टैचू को इरेक्ट किया गया है. नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज कि मणिपुर का पोलो के साथ बहुत पुराना रिश्ता है. ये बहुत कम लोग जानते हैं. लोगों को लगता है सिर्फ राजस्थान में पोलो चलती है, ऐसा नहीं है. मणिपुर में पोलो इज वेरी मच फेमस. यू गॉट टू अंडरस्टैंड सगोल कांगजेई, इसको मतलब बोला जाता है इंडिजिनियस स्पोर्ट्स है. सगोल कांगजेई इट्स अ स्पोर्ट विच इज इंडिजिनियस टू मणिपुर. और यहां पे मणिपुरी पोनी, ये जो छोटे छोटे हॉर्स है, इसके ऊपर इस स्पोर्ट्स को खेला जाता है. तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर बात आती है सगोल कांगजेई क्या है, तो एक तरह से पोलो का ही नाम है मणिपुर में, और इसको बहुत लोग प्यार करते हैं, और इसीलिए ये स्पोर्ट्स जो खेल रहे हैं पोलो, उसका वहां पे स्टैचू इनॉग्रेट रिसेंटली किया गया. सवाल ये भी आ सकता है कि मार्जिंग कॉम्प्लेक्स किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये पोलो से रिलेटेड है. किसी भी तरह से आ सकता है. तो आपको इन चीजों को थोड़ा सा दिमाग में अपने बिठाना होगा. दैट्स हाउ इट इज. क्लियर है जी? अब क्योंकि हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात कर ही रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट से मैं एक और अपडेट आपको देना चाहूंगा. इस हफ्ते वो बहुत ज्यादा न्यूज में थी. रेडी? सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, एंड दैट इज रिलेटेड टू फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग, जिसको शिलोंग यानी कि मेघालय में सेटअप किया जा रहा है. अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर रिलेट करनी होगी, दैट इज ई स्पोर्ट्स. आपको पता होगा ई स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जी. एशियन गेम्स में ई स्पोर्ट्स आ रही है, आगे आगे जाके ओलंपिक्स में भी आप देखोगे. सो ई स्पोर्ट्स में देश मेडल जीतने की एक क्षमता रखता है. तो उस क्षमता को हम लोग पूरा तभी कर सकते हैं जब इसके अंदर प्रॉपर एक्सेलेंस हो. सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग जो है वो भारत का कहां पे आ रहा है? शिलोंग में आ रहा है. इंडिया के कंटेक्स्ट में कोई भी चीज पहली बार होती है या कोई भी चीज बहुत बड़े लेवल पे इंपॉर्टेंट होती है, दैट डेफिनेटली विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये बात याद रख लेना. तो अगर इसको इनॉग्रेट किया गया शिलोंग यानी कि मेघालय में, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाएगा. यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ये आप याद रखेगा. तो हमें थोड़ा बहुत यहां पे आइडिया होना जरूरी है, उसी हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूं. और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की कोई भी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे अभी रिसेंटली स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन को इनॉग्रेट किया गया इन अगरतला. अगरतला कहां पे है? त्रिपुरा. सो त्रिपुरा में अगरतला में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन को इनॉग्रेट किया गया है रिसेंटली. दैट ऑफ कोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये सिंपल सी बातें आएंगी आपको कि भाई कहां पे है ये स्कूल. सो यू शुड नो इट इज इन त्रिपुरा, अगरतला. जैसे अभी रिसेंटली युवा संवाद इंडिया एट 2047, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है संवाद इंडिया एट 2047, इसको भी अगरतला में किया गया यानी कि त्रिपुरा. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने किया है, बट बाकी जो मैंने आपको इवेंट्स बताए दे सर्टली आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो अभी हमने मणिपुर की भी बात की, हमने त्रिपुरा की भी बात की, हमने मेघालय की भी बात की. तो यू कैन सी कोई भी स्टेट है, अगर वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की है, तो वो वहां की जो न्यूज है वो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है. तो थोड़ा सा आप इस चीज का ध्यान रखिएगा. मूविंग अहेड, हम लोग अब पेट्रोल ब्लेंडिंग की बात करते हैं. पूरे हफ्ते में ये बहुत न्यूज छाई रही. हमें पता है ये हमारे हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर, इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी साहब. तो अब पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जो है, इन्होंने फेज्ड मैनर में रोल आउट करना है इथेनॉल ब्लेंडिंग अप टू 20%. आप एक चीज नोटिस करो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया ने पहले 1.5% ब्लेंडिंग की, फिर 10% ब्लेंडिंग की, फिर सीधे हम ले गए उसको
20% इथेनॉल इन आर पेट्रोल गैसोलीन पे। अब ये छोटी बात तो नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। धीरे धीरे हमने जाके बढ़ाया। अब वही बात है कि हम 10% तक तो आ गए, अब धीरे धीरे इसको इंक्रीज करने के लिए हमें 10 बिलियन लीटर इथेनॉल चाहिए। ये इतना आसान नहीं है इसको प्रोक्योर करना, तो इसलिए हम लोग 2025 तक इसको लेकर आएंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, 2 साल लगेंगे हमें प्रॉपर तरीके से वहां तक पहुंचने में। अब मेन इसका आइडिया यही है कि भाई फॉरेक्स जो रिजर्व्स हैं इंडिया के वो डिप्लीट होते हैं जब हम क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, तो इथेनॉल मिला देंगे पेट्रोल में, तो पेट्रोल जो है वो कम कंजम्पशन होगी उसकी। ये सिंपल सी चीज मानी जा रही है और थोड़ा क्लीन भी है उसकी जब हम बर्न करते हैं। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड, ये जो फ्यूल है ये सिलेक्ट आउटलेट्स पे अवेलेबल होगा और कार इंजन्स को बदलाव की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने क्लैरिफाई की है कि आप ऐसे इसको यूज कर लेंगे। सो याद रखिएगा जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है टारगेट हमारा क्या है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। द टारगेट इज वेरी क्लियर कि हमें 20% प्रॉपर अचीव कर लेनी है बाय 2025। ये बहुत जरूरी है और इसी के ऊपर अब हम लोग काम कर रहे हैं। जो शुगर केन है या ग्रेन नॉन ग्रेन सोर्सेज उनको हम देख रहे हैं कि किस हिसाब से हम लोग वहां से इथेनॉल जो है ब्लेंडिंग कर सकते हैं। मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट शांता कुमारी हु इज एन IAS ऑफिसर ऑफ 1989 बैच। शी इज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी कौन है? श्रीमती शांति कुमारी। सो दैट्स प्रिसाइसली द सिंपल पॉइंट यू गॉट टू कीप इन योर माइंड। रिसेंटली हमने देखा C2022 E3 ZTF बहुत ज्यादा न्यूज में था। ये अब ये वाला जो वर्ड है ये आपको देगा एग्जामिनर, वो पूछेगा ये कॉमेट है, ये मेटेराइट है, ये सैटेलाइट है, ये मून है, क्या है? सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड इट्स अ कॉमेट, इट्स बेसिकली अ ग्रीन कॉमेट। और 50,000 साल में पहली बार अर्थ को ये अप्रोच कर रहा है। वैसे तो अब ये फेब के फर्स्ट वीक में करेगा, फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी में करेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि C2022 E3 क्या है। इट्स अ ग्रीन कॉमेट। तो कॉमेट है, एक ग्रीन कॉमेट है, बस इतना याद रखेगा। ये बहुत ज्यादा न्यूज में था इसलिए मैंने यहां पर इसको कवर किया है। तो आप देखेंगे वीकली करंट अफेयर में आई विल ब्रिंग अप ओनली दोज थिंग्स विच वर इन अ लॉट ऑफ न्यूज और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग उसको कवर करते हैं। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे कॉमेंट्स करके बता दो कि कैसा लग रहा है। एंड मेक श्योर आप इस सेशन को फटाफट शेयर कर दें, इसको लाइक जरूर कर दें ताकि मैं और इस तरह के सेशन आपके लिए ला सकूं। हमने देखा ब्राजील विच इज अ वेरी एक प्रोमिनेंट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका जहां पे अभी बहुत क्राइसिस चल रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ लोग उतर आए हैं। इन्होंने एक न्यू मिनिस्ट्री बनाई। क्या बनाई? एक न्यू मिनिस्ट्री। और वह न्यू मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनस पीपल, जैसे एथनिक पीपल होते हैं वहां के, ट्राइबल्स होते हैं, उस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनस पीपल। और उसकी मिनिस्टर बनाया किसको? सोनिया गोजाजरा। तो आप बस एक चीज नोटिस करना कि सोनिया गोजाजरा वाज इन अ लॉट ऑफ न्यूज, तो वो किस चीज से रिलेट करती है? शी इज बेसिकली रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनस पीपल जो कि अभी अभी ब्राजील ने कॉन्स्टिट्यूट किया, ब्राजील ने इसको बनाया है। ये मिनिस्ट्री पहले नहीं थी ब्राजील में, अभी अभी ये मिनिस्ट्री बनी है, बस इतना याद रख लो। मूविंग अहेड, वुड लाइक टू टॉक अबाउट पर्पल फेस्ट जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। पर्पल फेस्ट 2023, अभी ये रिसेंटली हमने देखा 2023 में इट वॉज ऑल ओवर द न्यूज, 6, 7, 8 जन में ये चला है। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड वाई हैज पर्पल फेस्ट बीन इन अ लॉट ऑफ न्यूज, वी गॉट टू डीकोड दैट एज वेल। सो पहली बात तो ये है कि पर्पल फेस्ट सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, एंड ये कहां पे करवाया गया? गोवा में करवाया गया। पहले तो अब ये चीज क्लियर कर लो कहां पे हुआ, गोवा में हुआ। Now it is a festival for people with disabilities. दिव्यांग की हम बात करते हैं तो दिव्यांगों को एक तरह से एक inclusive पूरा structure में लाने के लिए fest है। It will demonstrate everyone how to promote diversity in our society and how to help each other. तो इतना भी याद रखें, यहाँ पे बहुत सारी performance करवाई गई और यहाँ पे showcase भी किया गया recent technologies को जो कि create की गई हैं by या create की गई हैं for जो फिजिकली डिसेबल्ड या पीपल विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए जो टेक्नोलॉजीज है उनको भी यहां दिखाया गया। तो कुल मिला के पर्पल फेस्ट एक ऐसा फेस्ट है जहां पे वेलकम किया जा रहा है पीपल जिनको डिसेबिलिटीज है ताकि उनको ये एहसास करवाया जा सके कि वो हमसे अलग नहीं है बल्कि वो भी हमारे जैसे ही है। और वैसे भी कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट अगर किसी के अलग हैं तो वी आर नॉट सपोज टू मेक देम फील कि वो हमसे अलग है। दैट्स वॉट वी कॉल अ वेरी गुड सिविक बिहेवियर। मूविंग अहेड,
अभी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हुआ, इनफैक्ट इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल तो चल ही रहा है, अभी जस्ट कंक्लूड हुआ है कल ही, तो 8-14 जनवरी में हमने देखा गुजरात में हुआ, तो कहां पे हुआ, अहमदाबाद गुजरात। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि कहां पर हुआ, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी थीम, जो कि G20 की थीम थी, वसुधैव कुटुंबकम है ना, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यही थीम इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की भी रही। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना दिमाग में लगा लो कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की थीम भी G20 की थीम के सेम ही थी, कुछ अलग नहीं था, इतना आपने दिमाग में रखना है इसको। सॉर्टेड? सो आई होप मतलब ये जो पॉइंट्स हैं आपको समझ आ रहे हैं, एवरीवन इज वेरी क्लियर अबाउट दीज पॉइंट्स। हैविंग सेड दैट, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, अगर G20 की बात हुई है तो मैं पूछना चाहूंगा व्हाट इज ट्रॉयका। क्या आपको पता है ट्रॉयका में तीन कंट्रीज होती हैं, उनमें से एक तो इंडिया है, और दो कंट्रीज कौन सी हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है? ट्रॉयका में, G20 में ट्रॉयका होता है, एक तो उसमें इंडिया और कौन है ये मुझे कमेंट करके बता दो। 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल को मनाया गया 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद का बर्थडे होता है, नेशनल यूथ डे होता है, इसकी थीम रखी गई विकसित युवा विकसित भारत। हुबली कहां पे है जी? कर्नाटका में है। तो कहां पे इस फेस्टिवल को मनाया गया? हुबली यानी कि कर्नाटका में। विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम थी, 12 जनवरी को मनाना था, ये तो स्वाभाविक सी बात है, जिस दिन यूथ डे होगा उसी दिन मनाएंगे, तो ये सिंपल सा पॉइंट है, इसमें तो कोई इतनी हाईफाई चीज है भी नहीं। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात करते हैं एक वॉल्केनो की, इसका नाम है किलाया वॉल्केनो, जो कि हवाई में बेस्ड है। अब आप इसको देखिएगा मैप को ध्यान से, दीज आर हवाई आइलैंड्स, यहां पे आप वॉल्केनो देखेंगे, अगर मैं इस मैप पे दिखाता हूं आपको, ये देखिए किलाया वॉल्केनो आपको दिख रहा है, एवरीवन कैन सी दिस पर्टिकुलर वॉल्केनो, यहां तक कि एक और वॉल्केनो देख लो, मुआनालाओ वॉल्केनो, ये दोनों बहुत ही एक्टिव वॉल्केनो की कैटेगरी में आएंगे, मतलब बहुत ज्यादा इनकी इरप्शंस फ्रीक्वेंट है। सवाल आता है कई बार कि कोयले वॉल्केनो कहां पे है, मुआनालाओ वॉल्केनो कहां पे है, तो दोनों के दोनों वॉल्केनोस कहां पे? हवाई में है। मैप में दिखाता हूं क्यों, क्योंकि बिना मैप के ये चीजें इतनी क्लियर नहीं होंगी, तो आपको मैप्स को बहुत ज्यादा मतलब तवज्जो देनी है अपनी पढ़ाई में, ये बात हमेशा याद रखना, बिना मैप के आप जब भी पढ़ने की कोशिश करोगे तो उतनी अच्छी पढ़ाई आपकी शायद ना हो पाए, ये बात याद रखिएगा। पिक्चर्स मैप्स, मुझे हमेशा ये एक अच्छा लगा है तरीका पढ़ाने का, और मैं उसी तरह से पढ़ाता हूं। मूविंग अहेड, हम लोग बात करते हैं यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। आपको पता है ये खुद भी हार्वर्ड लॉ स्कूल गए थे, तो वहां से इनको एक अवार्ड मिला है, एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड, दैट इज अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, ये आप याद रखिएगा। सो DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इनकी जो लीगल प्रोफेशन को सर्विस है, लाइफ टाइम में सर्विस बोलना चाहूंगा, वो रिकॉग्नाइज की गई है, और इसीलिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड दिया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, मतलब ये आप मान के चले, और इनको फाइनली इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, ये खुद भी एलुमनाई है हार्वर्ड लॉ स्कूल के, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस लॉ स्कूल ऑफ द वर्ल्ड, और वहां से इनको ये अवार्ड मिला है, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। भाई इतना याद रखिएगा, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप हार्वर्ड लॉ स्कूल का इनको मिला है, दैट्स इट। मूविंग अहेड, हम लोग बात करते हैं अब्दुल रहमान राही। अब्दुल रहमान राही हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन अब्दुल रहमान राही एक बहुत बड़े लिटरेचर के एक ज्ञानी थे, और ही वॉज अ फर्स्ट कश्मीरी राइटर जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, जो कि इंडिया का हाइएस्ट ऑनर है, और इनकी पोएट्री कलेक्शन थी स्या रूद मांस इन ब्लैक ड्रिजल। तो बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि अब्दुल रहमान राही बहुत ज्यादा न्यूज में थे, ये हमारे बीच में नहीं रहे, और ये पहले कश्मीरी थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो दिस इज एक्चुअली अ बिग डिस्टिंक्शन, इसलिए मैंने इनको यहां पर इंक्लूड किया है हमारे वीकली करंट अफेयर्स में। मूविंग अहेड, प्रिंस हैरी को आई थिंक सबको ही जानते हैं, इनकी एक रिसेंट बुक आई है जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में भी है, बहुत ज्यादा विवादों में भी घिरी रही, उस बुक का नाम है स्पेयर। सो दैट्स द नेम ऑफ द बुक, दैट्स इट। आपको नाम पता होना चाहिए किताब का क्या नाम है, स्पेयर नाम है, बस इतना आप याद रखेगा, मतलब इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बोलूं। एक बुक है और संजीव सान्याल ने लिखी रेवोल्यूशनरीज के ऊपर, रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। हम सब जानते हैं जब भी फ्रीडम स्ट्रगल की बात होती है तो क्रांतिकारियों का नाम भी आता है, तो क्रांतिकारियों का जब नाम आता है तो उनके ऊपर ही एक किताब यहां पर लिखी गई, सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस पॉइंट एज वेल। क्लियर है जी? मूविंग अहेड, आफ्टर चाइना एंड यूएस
इंडिया हैज नाउ बिकम द थर्ड ऑटो मार्केट ग्लोबली. जापान पहले थर्ड पोजीशन पे था, लेकिन जापान को सरपास करके इंडिया अब थर्ड पोजीशन पे आ चुका है. इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूं दैट वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट कि हम लोग अब थर्ड मार्केट बन चुके हैं दुनिया में. जब भी ऑटोमोबाइल्स की बात आती है, उनकी सेल्स की बात आती है, ऑल थैंक्स टू द ग्रोइंग यंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि वही मतलब एक प्राइम बायर बनते हैं यूथ में जैसे एंटर करते हैं. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जो कि इंडिया विटनेस अभी कर रहा है. मूविंग अहेड, एफएओ जिसके हेडक्वार्टर्स है कहां पे, रोम में, वो फूड प्राइस इंडेक्स लेकर आता है. तो इट गॉट यू नो इट्स फूड प्राइस इंडेक्स, ये बहुत न्यूज में था, एफएओ फूड प्राइस इंडेक्स. तो फूड कमोडिटी प्राइस इंडेक्स, फूड प्राइस इंडेक्स इन्हीं का होता है. तो ये बेसिकली इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं, प्राइस कहां पे बढ़ा है उसकी बात करते हैं. उसके डेटा देखो, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा. आपको बस एक ऊपर ऊपर से आइडिया होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑल. क्लियर है? सो एनी डाउट फॉर दैट मैटर, अगर आपको मतलब कोई भी डाउट है तो आप मुझे यहां बता सकते हैं. एनी वन हु इज हैविंग इवन आयोटा ऑफ डाउट, यू श्योरली कैन लेट मी नो. चलो क्लियर है इतना? परफेक्ट. नाउ द नेक्स्ट वन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट. अब यहां पे आपको शायद पता होगा, यू नो देखिए अलग अलग इवेंट्स हैं जो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहे. उसमें से एक बहुत बड़ा इवेंट है, या मैं कहूंगा कि एक फिनोमेना ही बन गया है, दैट इज वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर. अब उसके बीच में हमने देखा कि रशिया में ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस देखिए होती है, रशिया और उसके आसपास की कंट्रीज में. तो नॉर्मली हम 25 दिसंबर को क्रिसमस देखते हैं, बट रशिया में उनके हिसाब से 7 जैन को क्रिसमस मनाते हैं. तो हमने देखा कि उस वजह से 36 आवर्स का सीज फायर जो है डिक्लेयर किया गया रशिया के द्वारा कि हमें ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस जो है वो मनानी है. सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जो यहां पर खड़े हैं. क्या कोई मुझे बता सकता है कि कौन है? वेरी गुड. व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्सन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे अब नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, एक पोप होते हैं जो कि वैटिकन सिटी में बैठते हैं. नाउ दिस पर्सन बेसिकली, यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, इनको हम लोग किरिल बोल रहे हैं, ये आप याद रखिएगा. सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को हम जब भी देखते हैं, उसको जो हेड कर रहा है ये वही व्यक्ति है. तो आपको बस ये चीज याद होनी चाहिए. चले क्लियर हो गया इतना? सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ही इज द किरिल ऑफ मॉस्को. जो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है उसको ये हेड कर रहे हैं, इतना आप याद रखिएगा, किरिल ऑफ मॉस्को. प्रवासी भारतीय दिवस कब होता है जी? 9 जनवरी को होता है. अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या, थीम क्या रही? थीम हमारी जो यहां पर रही है, दैट इज डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, एज सिंपल एज दैट. दूसरी बात, इसको कहां पे सेलिब्रेट किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में इसको सेलिब्रेट किया गया, यह भी आपको पता होना चाहिए. एमपी में इंदौर है. तो प्रवासी भारतीय दिवस की कन्वेंशन थी, 8 से 10 दिसंबर तक चलती रही. तो काफी ज्यादा ये न्यूज में था. तो बस आपको एक बेसिक आइडिया भी अगर है, यू आर एब्सोल्युटली गुड टू गो. सॉर्टेड है? सो आई रियली होप कि ये सारी जो चीजें हैं आपको समझ भी आ रही हैं और बहुत यूजफुल करंट अफेयर लग रहा है, पूरे हफ्ते का है. इस सेशन को लाइक और शेयर कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. आप सब जानते ही हैं कि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट सेशन की यहां पे है. अच्छा, कई बार पूछते हैं कि फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट हुआ. 2003 से हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं. 10 जनवरी को क्या हमने मनाया? वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस हमने मनाया. वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 1975 में हुई थी, उसी की रिकॉग्निशन में 10 जनवरी को चूज किया गया है. जैसे अभी हमने मनाना है, आपको पता होगा शायद, कल 16 जनवरी है. सो कल हमारा नेशनल स्टार्टअप डे है, पता है आपको ये बात? कल नेशनल स्टार्टअप डे है. तो अभी स्टार्टअप इनोवेशन वीक पूरा चल रहा है, 10 तारीख को स्टार्ट हुआ था और कल यानी कि 16 जनवरी को ये जाके कंक्लूड होगा. तो अभी पूरा वीक चल रहा है. तो इसमें यही डेवलपमेंट है कि भाई स्टार्टअप्स को कैसे प्रमोट करते हैं, जगह जगह पे उसी की बात होती है. सो दैट्स प्रिसाइसली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मूविंग अहेड, नेशनल साइंस डे हमने मनाना है 28 फरवरी को. हर साल 28 फरवरी को ही हम लोग देखते हैं कि नेशनल साइंस डे होता है. सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड, सर सीवी रमन की जो डिस्कवरी है, रमन इफेक्ट्स, उसको उसी को सेलिब्रेट करते हैं हम इस दिन. इस बार की जो थीम है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है, दैट इज ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग. सो यू कैन बी आस्क दिस क्वेश्चन कि इस बार की साइंस डे की थीम क्या है. सो यू शुड बी अवेयर इट इज ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, सिंपल पॉइंट. अब
अगर आप कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते हैं तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में तो सुन ही लिया होगा आपने, बहुत ज्यादा न्यूज में थे। स्वयं प्रधानमंत्री ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, यहां पे एक सॉन्ग है आपको पता होगा नाटू नाटू, तो ये जो नाटू नाटू है इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है सॉन्ग को। ये MM किरवानी का और काल भैरव राहुल शिल्पी जंग यहाँ पे इसके साथ जुड़े हुए हैं सॉन्ग के साथ, जो रामचरण और NTR पे फिर यहाँ पे पूरा फिल्माया गया है। तो ये जो सॉन्ग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान में देना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको अंडरस्टैंड करना है, दैट इसको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको बहुत बड़ी एक मुबारकबाद दी है, ये आपको पता होना चाहिए। सो इतना बस आप अंडरस्टैंड करें कि एक पूरी मूवी है RRR, उसके साथ ही जुड़ा हुआ सॉन्ग है। अब क्योंकि गोल्डन ग्लोब अवार्ड न्यूज में थे तो बेस्ट मोशन पिक्चर का भी अवार्ड मिला है किसको, अर्जेंटीना 1985, ये भी 2022 में मूवी आई थी, स्पैनिश मूवी है, इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये भी हमें पता होना जरूरी है। सिंस हम लोग काफी सारे पर्सन के बारे में भी बात कर रहे हैं जो न्यूज में रहे, तो एक किंग रहे, किंग कॉन्स्टेंटाइन टू ऑफ ग्रीस। वैसे तो 1973 तक ही किंग रहे थे, बिकॉज उसके बाद तो वहां पे मोनार्की को अबॉलिश करवा दिया गया था, तो ही इज द लास्ट किंग ऑफ ग्रीस जिन्होंने ग्रीस को रूल किया, क्योंकि बाद में तो ग्रीस रिपब्लिक बन गया। तो आपको पता होना चाहिए ही बीइंग द लास्ट किंग ऑफ ग्रीस ही जस्ट पास्ड अवे, अभी इनकी डेथ हुई है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल ये आएगा कि भाई कॉन्स्टेंटाइन टू बहुत न्यूज में थे, ये कहां के किंग रह चुके हैं, सो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस वन, कि ही वाज द किंग ऑफ ग्रीस, दैट्स हाउ यू कैन आंसर दैट। सॉर्टेड सेशन, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी इसकी पूरी हेल्प मिल सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, विदिशा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की है, ये भारत की पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट बन गई है फॉर ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव 5G यूज केस ऑफर्ड बाय वेरियस स्टार्टअप्स। याद रखिएगा 5G एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी नो डाउट, और उसकी बहुत सारी यूटिलिटीज भी हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या आप उस यूटिलिटी को इंप्लीमेंट कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो विदिशा ने वो करके दिखाया है अलग अलग लेवल पे, चाहे वो हेल्थ में हो, ऑटो एम्बुलेंस है, आई स्क्रीनिंग है, डायग्नोसिस है अलग अलग, बच्चों की पढ़ाई है, एग्रीकल्चर है, बायोमेट्रिक्स है, अलग अलग लेवल पे। तो आप ये ध्यान दें कि यूज केसेस क्या है, कि कहां पे आप यूटिलाइज कर रहे हो उसको, दैट इज व्हाट द यूज केस इज ऑल अबाउट। तो विदिशा इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू यू नो यूज टू डिप्लॉय बेसिकली दिस पर्टिकुलर 5G यूज केसेस ऑफर्ड बाय वेरियस स्टार्टअप्स, तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज है। मूविंग अहेड, अब जैसे हम कई बार पोल्यूशन की बात करते हैं, स्पेशली वाटर पोल्यूशन, तो मैं आपको बताना चाहूंगा IISER पुणे ने एक मटेरियल बनाया है जो पानी से पोल्यूटेंट्स को निकालता है। इट्स अ आयनिक ऑर्गेनिक मटेरियल। IISER पुणे आपको पता होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च पुणे। तो इन्होंने एक बहुत शानदार यूनिक मॉलिक्यूल स्पंज बनाई है, स्पंज जैसा मटेरियल है, विच कैन इफेक्टिवली क्लीन पोल्यूटेड वाटर, गंदे पानी को ये साफ कर सकती है। सो द मटेरियल इज कॉल्ड मैक्रो या माइक्रोस्कोपिक आयनिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, और ये एब्जॉर्ब कर लेगा अलग अलग कंटेमिनेंट्स को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत स्पेशल चीज है जो यहां पर हमें देखने को मिल रही है, और IISER आप कभी भी देखेंगे तो ये चीजें करते ही रहता है। तो मतलब ये रिसर्च के अंदर बहुत बेहतरीन है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और उसी चीज को इन्होंने यहां पर दिखाया भी है। क्लियर। मूविंग अहेड, हम लोग बात करते हैं अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये वेन वी टॉक अबाउट द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, दूसरी बात इन्होंने सर्वे किया 2021-2022 का, और एनुअल रिपोर्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेस उसको इन्होंने निकाला है, और उसमें पावर ग्रिड को फर्स्ट रैंक यानी कि बेस्ट रैंक भी मिला है, ये आप याद रखेगा। अगर सवाल आता है कि पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे में कौन सी PSU ने टॉप स्थान हासिल किया है, तो आंसर साफ है पावर ग्रिड। मैं बताना चाहूंगा पावर ग्रिड एक महारत्ना कंपनी है भारत की, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, क्योंकि भारत में सिर्फ 12 ही कंपनी है महारत्ना। अभी लेटेस्ट तो REC आई थी ना कुछ महीने पहले, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, तो पावर ग्रिड में इनमें से ही एक महारत्ना कंपनी है। तो हमें इस कंटेक्स्ट में इस चीज को जानना है कि दिस एक्चुअली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब कोई भी
चीज अगर न्यूज में रहती है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया जरूर हो उसको कैसे टैकल करना है, कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है. दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ यू. ठीक है जी, मूविंग अहेड हम लोग बात करते हैं हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी. इन्होंने अभी एक इनॉग्रेशन की है बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट की, 1000 मेगावाट का है. अब इसको कौन चला रहा है, देखिए एसजेवीएन है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इन्हीं की सब्सिडरी है एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड. तो इन्होंने ये स्टार्ट किया और ये 2024 तक कमीशन हो जाएगा. मेड इन इंडिया फोटोवोल्टिक सेल्स को यूज किया गया है. और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी जो हम आजकल बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बिकॉज 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो कैपेसिटी 2030 तक का हमारा टारगेट है. सो ये याद रखिएगा, दिस इज द टारगेट विच इंडिया हैज और उसके लिए अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है. सो ये पॉइंट आप थोड़ा सा याद रखिएगा. अभी रिसेंटली हमने देखा भारत का पहला कोल गैसिफिकेशन बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो उड़ीसा में एक तालचेर नाम की जगह है वहां पे आ रहा है, मतलब वो अगले साल तक आएगा, 2024 तक आएगा. तो एक यूरिया प्लांट है, फर्टिलाइजर में यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो यूरिया प्लांट है तालचेर में जिसको आप पहला कोल गैसिफिकेशन बेस्ड प्लांट बोलेंगे. भारत में कोई भी ऐसा कोल गैसिफिकेशन बेस्ड प्लांट नहीं है फर्टिलाइजर का, स्पेशली यूरिया का, तो यहां पे ये हम लोग बना रहे हैं. तो इट्स अ वेरी इनोवेटिव थिंग. तो ऐसे मतलब सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि बताइए कहां पे ये पावर प्लांट की बात की गई है. सो एनीथिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट कैन बी आस्क्ड टू यू. मूविंग अहेड हम लोग बात करते हैं यहां पे चीफ मिनिस्टर साहब है. ये कहां के चीफ मिनिस्टर है, केरला के चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर पी विजयन. ही डिक्लेयर्ड केरला टू बी द फर्स्ट स्टेट टू इनेबल डिजिटल बैंकिंग इन ऑल एलिजिबल अकाउंट्स. इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क OKFON को. तो याद रखिएगा पहली ये स्टेट बन गई है केरला, सो दैट्स एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग. सो आप बस ये याद रखिएगा डिजिटल बैंकिंग में एकदम टॉप पे, बिकॉज जो भी एलिजिबल अकाउंट है वहां पे इन्होंने इनेबल कर दी है. सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग. इसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है केरला के अंदर जो लिटरेसी है उसको भी, क्योंकि हमें भी पता है कि लिटरेसी लेवल बहुत हाई है केरला में, एंड उसको एक बहुत बड़ा श्रेय इसका जाता है. सो वी हैव टू नोटिस दैट पॉइंट एज वेल. मूविंग अहेड, ताइवान ने पास किया है चिप्स एक्ट और ये टैक्स क्रेडिट देंगे चिप मेकर्स को. हमें पता है कि ग्लोबल लेवल पे चिप की बहुत सारी शॉर्टेज है, ये आप भी जानते होंगे. उसकी वजह से कार्स महंगी भी हो रही हैं, कार्स की भी शॉर्टेज है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की शॉर्टेज है. तो इन्होंने बोला कि 25% आपका जो R&D का एक्सपेंस है उससे आप टैक्स क्रेडिट ले लो. मतलब आपने अगर 100 रुपए खर्चे हैं R&D पे तो 25 रुपए का आपको टैक्स क्रेडिट हम लोग दे देंगे. अब वो तो तभी मिलेगा जब आपका R&D पे एक्सपेंस है. अगर आपका R&D पे कोई एक्सपेंस ही नहीं होगा तब तो आपको कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला. सो ये भी एक बहुत पेचीदा चीज है, बट एनीवेज वी हैव टू वेलकम दिस पर्टिकुलर थिंग जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है. सो ऑफकोर्स देखिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कई बार, बट वहीं से आप बहुत कुछ सीख जाते हैं. सो ट्राई टू यू नो पिक समथिंग अप फ्रॉम हियर, जो भी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ. और मैं इतना श्योर करता हूँ कि मेरी क्लास में आपको हमेशा बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा. ऐसा नहीं है कि कुछ रैंडम चीज़ें मैं यहाँ करवा रहा हूँ. अगर मैं वीकली करंट अफेयर बोल रहा हूँ तो ये जनरली वीकली करंट अफेयर ही आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूँ. सो इट इज़ नॉट दैट कि बहुत पुराना कोई करंट अफेयर है, इतना तो आप भी रियलाइज कर रहे होंगे दैट दिस जेन्युइनली इज द वीकली करंट अफेयर जो इस हफ्ते बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, ये सारा वही करंट अफेयर है. मूविंग अहेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि सिंगरौली में बेस्ड है मध्य प्रदेश में, जो कि बेसिकली कोल इंडिया लिमिटेड जो है उसके साथ एसोसिएट करता है, वो ओवरबर्डन से एम सैंड प्रोड्यूस करने वाले हैं. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ओवरबर्डन क्या होता है. बहुत आसान चीज है, जैसे आप कोल को जब निकाल रहे हो तो आपको यहाँ खुदाई करनी होगी ये पूरे एरिया की. कोल सीम तो नीचे है, तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ से मलबा निकलेगा, जो वेस्ट निकलेगा, वो क्या है, ओवरबर्डन. अब अक्सर क्या होता है, आपने माइनिंग शुरू की, ओवरबर्डन बहुत इकट्ठा हो गया. अब ओवरबर्डन का क्या किया जाए, बहुत बड़ा सवाल उठता है. तो यहां पर ये ओवरबर्डन को हटाकर इसको एम सैंड में कन्वर्ट कर देंगे. एम सैंड मतलब मैन्युफैक्चर्ड सैंड. एक आर्टिफिशियल सैंड होती है जो कि हार्ड स्टोन को क्रश करके बनाई जाती है. तो ओवरबर्डन को हटाएंगे, उसको क्रश करेंगे और उससे एम सैंड बनाएंगे. ऐसा सिंगरौली बेस्ड NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड प्लान कर रहे हैं. सो दैट्स अ वेरी गुड प्लानिंग. तो आप देख सकते हैं कि सब्सिडरी तो कोल इंडिया लिमिटेड की है, तो कोल चाहे पोल्यूशन कर रहा है लेकिन ये
पोल्यूशन को कम करने के बारे में सोच रहे हैं कि ओवरबर्डन को कैसे टैकल करें। तो ये पॉइंट आपको बहुत पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी इसमें इन्वॉल्व रही। तो नदन कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि सिंगरौली एमपी में बेस्ड है। उसी प्रकार से हमने देखा, जब हम बात करते हैं सीएमपीडीआईएल, यानी कि सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, जो कि रांची में बेस्ड है, इट्स बेस्ड इन रांची। तो पहले तो आपको ये पता चल गया रांची में बेस्ड है। अब इन्होंने पेटेंट करवाई एक टेक्नोलॉजी, बहुत खास टेक्नोलॉजी है, सिस्टम एंड मेथड फॉर कंट्रोलिंग जनरेशन एंड मूवमेंट ऑफ फ्यूजिटिव डस्ट। अब सवाल ये आता है पहला कि भाई फ्यूजिटिव डस्ट इन द फर्स्ट प्लेस है क्या, किस चीज का नाम है फ्यूजिटिव डस्ट, पहले तो हमें ये समझ आए, उसके बाद ही हम लोग चीजों को पिक करेंगे। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड, जैसे मान लो आप एक ट्रेन देख रहे हो जा रही है, ऊपर ऐसे कोल पूरा हमने लोड किया, या थर्मल पावर प्लांट में ऐसे ओपन में कोल पड़ा हुआ है, जहां पर भी ओपन में कोल स्टोर होगा वहां पे कोल उड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जैसे कोल पड़ा है, कोल का सोर्स है, तो हम लोग इधर लगा देंगे विंड ब्रेक, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी विंड की कम हो जाएगी, और इस तरफ हम लोग लगा देंगे वर्टिकल ग्रीनरी सिस्टम, वर्टिकल ग्रीनरी, जैसे ऐसे दीवार पे, पोरस दीवार पे ग्रीनरी लगा देंगे, और उससे क्या होगा, कोल की जो डस्ट है इतनी उड़ेगी नहीं, ध्यान है। तो आप ये देखें, यहां पे जैसे कोल पड़ा हुआ है, इधर हमने क्या लगा दिया है, विंड ब्रेक लगा दी, इधर हमने वर्टिकल ग्रीनरी लगा दी, तो इससे जो कोल उड़ता है, ये जो फ्यूजिटिव डस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका नेगेटिव इंपैक्ट हम लोग काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये पहले मतलब कभी इतना सोचा नहीं गया था इसके बारे में, अब सोचा जा रहा है, तो दैट्स अ वेरी वेलकम स्टेप आई वुड से। ये पहले भी सोचा जाना चाहिए था। तो ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी याद रखना इन लोगों की। एनीवेज, लेप्रोस्कोपी की हम लोग बात करते हैं। लेप्रोस्कोपी मतलब क्या होता है कि हम लोग एक कटनी दे रहे, लंबा सा हम लोग एक होल करके कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं। फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिंग इन इंडिया बोला जाता है टीई उडवाडिया को, थेमेंटन ई उडवाडिया, इन्होंने किताब भी एक लिखी थी मोर देन जस्ट सर्जरी, ये 2021 की बड़ी फेमस किताब थी। ही इज अ इंडियन। नाउ ही वाज एक्चुअली द फर्स्ट सर्जन इन इंडिया जिन्होंने यहां पे 1972 में लेप्रोस्कोपी इंट्रोड्यूस की। हालांकि 1990 तक तो वो इसको डायग्नोसिस के लिए यूज करते थे, लेकिन 1990 के बाद इन्होंने लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज करनी स्टार्ट की भारत में, जो कि बहुत बड़ी चीज थी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि उडवाडिया साहब जो हैं, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, ही पास्ड अवे, बट ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है हु इज द फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन इंडिया। तो इट इज डॉक्टर टीई उडवाडिया। बहुत बेसिक चीज है पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। सो मतलब देखो, क्वेश्चन इस तरह से आएंगे आपको, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपने इनको आंसर करना है। मूविंग अहेड, आप याद रखिएगा, इंडिया इज गोइंग टू वर्चुअली होस्ट, मतलब इंडिया ने इनफैक्ट किया है होस्ट, जैसे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। हम लोग जब ग्लोबल साउथ समिट की बात करते हैं तो इंडिया ने उसको होस्ट किया और थीम रखी यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। क्या है, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, दिस इज हाउ वी लुक एट इट। सो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। इंडिया के पास जैसे अब G20 की प्रेसिडेंसी आई है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया कुछ नहीं कर रहा है, इंडिया लिटरली इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दैट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। मूविंग अहेड, मैं आपको एक जानकारी ये देना चाहता हूं, इनकेस यू डोंट नो, उम्मीद बैच हमारा चल रहा है, इसका CDS का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे उम्मीद लिखा होगा, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। वेन यू यूज द कोड UDM10 यू गेट द स्ट्रक्चर्ड कोर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो ये वैसे 2499 का है, यू गेट इट अराउंड 2250 ओनली एंड एंटायर बैच इज अवेलेबल टू यू, सो यू सर्टेनली कैन गेट इट बाय यूजिंग द कोड UDM10। सो आप लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, एंड आई थिंक दिस इज अ कोर्स विच यू नीड एट दिस पॉइंट इन टाइम। व्हाई, बिकॉज ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है और सभी जो फैकल्टीज हैं दे आर नॉट ओनली जस्ट टीचिंग ओवर हियर बट दे आर ऑल्सो टेकिंग ऑल योर डाउट्स, बहुत सारी लाइव क्लासेस मिल रही हैं आपको, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी एप्ट कोर्स फॉर योर प्रिपरेशन। मूविंग अहेड, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम बहुत ज्यादा न्यूज में थी, इसके हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है वैसे, क्योंकि इन्होंने एस्ट्रो टूरिज्म को होस्ट किया है। एस्ट्रो टूरिज्म मतलब क्या है, या तो आप स्पेस में भेजो किसी को, या आप स्टार गेजिंग इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाओ, जैसे कहते हैं ना टेलीस्कोप से स्टार देख रहे हैं। तो ये याद रखना, ये काउंसिल किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, साइंस नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कभी भी म्यूजियम वगैरह कहीं पर भी आ जाए तो वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की इन्वॉल्वमेंट होगी, ये बात हमेशा याद रखिएगा, इट्स अ वेरी फैक्चुअल थिंग, सो यू गॉट टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट। हेडक्वार्टर्स कहाँ है और इन्होंने क्या करवाया है एक इंपॉर्टेंट इवेंट, ये हमें पता होना जरूरी है।
मूविंग अहेड, आई एम श्योर बहुत लोग क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि भाई इंडिया के पासपोर्ट का रैंक क्या है, ठीक है, एक एक बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, किसी को भी हो सकती है, तो मैं उसी के ऊपर अब आ रहा हूँ। अभी हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स आया तो उसके अंदर हमने देखा इंडिया के पासपोर्ट को एक रैंक डेजिग्नेट किया गया है, एंड वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर रैंक कि उसको क्या रैंक मिला है। सो आई विल सर्टेनली बी टॉकिंग अबाउट दैट नाउ। हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में इंडिया को 87th रैंक लास्ट ईयर था, इस बार 85th रैंक है, तो दो रैंक की इंप्रूवमेंट है पहली बात। दूसरी बात यह है कि टॉप पे जो तीनों कंट्रीज है वो एशिया की है, जापान भी एशिया की है टॉप पे, सिंगापुर और साउथ कोरिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आप देखोगे पूरी यूरोप की कंट्रीज मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगी। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपको टॉप कंट्री पता होनी चाहिए। जापान क्यों है जी, उसको 193 डेस्टिनेशंस में वीजा फ्री एंट्री मिलती है, तो ऑफकोर्स वो तो टॉप पे होगी ही। वर्स्ट कंट्री है अफगानिस्तान, जहां पे सिर्फ 27 डेस्टिनेशंस पे इनको वीजा फ्री एंट्री मिलती है। यहां तक कि पाकिस्तान इज ऑल्सो डूइंग बैड, 106th रैंक है यहां पे। तो आपको एक टॉप पता होना चाहिए, एक आपको वर्स्ट रैंक पता होना चाहिए, दिस इज हाउ वी लोकेटेड। तो मतलब एक बेसिक सा आपको आइडिया अगर है इन चीजों का, यू आर एब्सोल्युटली गुड टू गो, इसमें कोई आपको इतनी दिक्कत नहीं है, बस आपको ठीक ठाक एक आइडिया होना जरूरी है। क्लियर है जी इतना? सो एनीवन, मतलब इवन इफ यू गाइस हैव आयोटा ऑफ डाउट, यू श्योरली कैन लेट मी नो। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है इन चीजों को मतलब समझने में, तो आप मुझे कॉमेंट करके बताइए, मैं कॉमेंट में ही आपका चाहे रिप्लाई कर दूंगा। बट वॉट आई वॉन्ट इज कि यू शुड बी हैविंग 100% क्लैरिटी आपको, मतलब इन चीजों की। अगर मैं वीकली करंट अफेयर इतना कॉम्प्रिहेंसिव करा रहा हूं, तो आपको कम से कम प्रॉपर क्लैरिटी जरूर हो, ठीक है जी। नाउ मूविंग अहेड, हम लोग अब बात करते हैं अबाउट मत्स्या 6000, समुद्रयान मिशन। अगर आपने कभी सुना हो तो उससे ये रिलेट करता है समुद्रयान, ठीक है जी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो मिशन है अगले 3 साल में हम लोग पूरा करेंगे, ऐसा जो हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी उन्होंने बोला है। NIOT ने इसको डेवलप किया है, ये आप देख सकते हैं दिस वन, ये क्या है मत्स्य 6000, अभी ये डेवलपमेंट स्टेज में ही है वैसे तो। मत्स्य 6000 की खास बात क्या है, ये यहाँ पे बॉटम में जाएगा, एक सी बॉटम पे जाएगा 6000 मीटर, मतलब लगभग 6 किलोमीटर तक ये डाइव करेगा, और वहां पे जाके हम लोग एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं। NIOT कहाँ पर बेस्ड है? NIOT इज बेस्ड इन चेन्नई। सो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि NIOT कहाँ पर बेस्ड है, तो आपको पता होना चाहिए, हाँ जी ये चेन्नई में बेस्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर ये आता है। और मत्स्य जो मिशन है, ये पूरा का पूरा जो समुद्रयान है, इसके अंदर हम लोग देखेंगे इंडिया इज एमिंग टू सेंड 3% टू दिस पर्टिकुलर डेप्थ। काफी यहाँ पे सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है, इसलिए हम लोग अपना टाइम ले रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज हम लोग नहीं चाहते कि जल्दबाजी में कोई भी काम किया जाए। सो दैट्स हाउ वी लुक एट इट। चलिए अब एक ऐसी न्यूज जो बहुत ज्यादा न्यूज में रही, उसका नाम है गंगा विलास। तो गंगा विलास बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, रिवर क्रूज। सबसे बड़ी बात है ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है जी। अब यहाँ पे कौन से फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए, लगभग कितना किलोमीटर तय करेगा, तो 3200 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा, ओवर अ स्पैन ऑफ 51 डेज, ये वाराणसी जो कि यूपी में है वहां से डिब्रूगढ़ यानी कि असम में पहुंचेगा। सो वाराणसी टू डिब्रूगढ़ एक्चुअली इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, अगर आप देखें तो ये पूरा यहाँ पे गंगा, उसके बाद यहाँ ब्रह्मपुत्र में जाएंगे, फिर पूरा ये रूट लेंगे पटना, कोलकाता, ढाका, डुबरी, गुवाहाटी, मजुली। सो ये बहुत खास बात है कि हम लोग वाया बांग्लादेश जा रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि बांग्लादेश के साथ जो रिलेशन है हमारे कॉर्डियल है, अच्छे रिलेशन है, ये आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, बिकॉज दिस एक्चुअली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो कई बार ये पॉइंट्स आ जाते हैं डायरेक्ट आपको, एंड यू हैव टू आंसर ऑल दोज थिंग्स, सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, कैबिनेट ने एक रीनेमिंग की है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम जो है, जो लॉन्च की गई थी रिसेंटली, उसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नाम दिया गया है, ये बस याद रख लीजिएगा। तो इट इज वन एंड द सेम थिंग, इसी को रीनेम करके ये रखा गया है PMGKAY, दैट इज वॉट वॉज इन अ लॉट ऑफ न्यूज, सो वी शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस आस्पेक्ट। मूविंग अहेड, यू शुड अंडरस्टैंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर स्टैचुटरी बॉडी है, इन्होंने नोटिफाई कर दिया है रेगुलेटरी स्टैंडर्ड फॉर बासमती राइस। पहली बार ये हुआ है, अगस्त से ये इन्फोर्स हो जाएंगे। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए, पॉलिशिंग एजेंट्स नहीं होने चाहिए, आर्टिफिशियल कलर नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली किया है कि हमारी जो बासमती की क्वालिटी है जो इंडिया से बाहर जाता है वो वैसी बनी रहे, वो खराब ना हो क्वालिटी,
बस इसका मेन एम यही है और इसीलिए इस चीज को किया भी गया है। सो कई लोगों को ये लग रहा था कि भाई इतना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्यों किया हमने, बट वी शुड बी अवेयर कि ये करना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्लियर है? तो मतलब यू कैन सर्टली अंडरस्टैंड वेरी माइनर एस्पेक्ट्स दीज आर, बट थोड़ा सा करके भी अगर आपको समझ आ रहा है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये सब करंट अफेयर है, जैसे रिटेल इन्फ्लेशन 5.72 रही, बट आपको बस इतना पता हो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5.72 का मतलब क्या है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स निकालती है। तो आपको पता होना चाहिए बेस ईयर 2012 है और यहाँ पे सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं। ठीक है, WPI में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी आर्टिकल प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है रिटेल इन्फ्लेशन, यहाँ पे एक बेटर पैरामीटर्स आपको पता चलते हैं। इसलिए ये जो 5.72% आई है, जो काफी कम है पहले के मुकाबले, इट इज एक्चुअली अ गुड न्यूज फॉर अस। तो ये याद रखिएगा, 1 ईयर लो है 5.72, अभी जो दिसंबर की आई है डेटा, इट इज एक्चुअली अ गुड थिंग। हैविंग सेड दैट, अब लास्ट न्यूज है, उससे मैं समाप्ति करूंगा ये वीकली करंट अफेयर की। जोशीमठ बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, सब्सिस्टेंस बहुत ज्यादा हुई है लैंड की, धसी है जमीन। इसरो की रिपोर्ट ने बताया है कि जोशीमठ सैंक अराउंड 5.4 सेंटीमीटर इन जस्ट 12 डेज। बहुत बड़ी बात है, 12 दिन के अंदर ये इतना सिंक कर गया। और इसरो में भी आपको बताऊंगा, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है हैदराबाद बेस्ड, उसने इसके एस्टिमेशन लगाए, सो इट्स अ वेरी एक्यूरेट वन। अभी रिसेंटली CSIR की जो नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है NGRI, इन्होंने भी मल्टी लेयर्ड जियो फिजिकल स्टडीज स्टार्ट की थी, क्योंकि इनके 80 सिस्मोमीटर है उत्तराखंड में, तो वो बेसिकली अर्थक्वेक मॉनिटर करते हैं। तो उन्होंने भी इसकी पूरी स्टडीज जो है वो करी हैं, काफी सारे जो डेटा है उनको कलेक्ट किया, और बहुत सारी रिसर्च एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है। तो मतलब वी जस्ट कैन होप फॉर दिस थिंग ओनली कि यहाँ पर सब मतलब कम से कम लॉस हो लोगों का, बिकॉज दैट इज समथिंग विच वी नेवर वुड वॉन्ट कि किसी का भी नुकसान हो। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो भी लोग हैं बहुत देर से वहां पे रह रहे हैं, और अगर यहाँ पे मतलब देखिए सब इवैक्यूएशन हो जाता है, बहुत सारे लोग जो है वो बेघर हो जाते हैं, तो इसमें किसी का भी फायदा नहीं। तो वी हैव टू मतलब कीप आर फिंगर्स क्रॉस कि कम से कम अगर लॉस हो किसी का भी और कोई सोल्यूशन निकाला जा सके, ये जो भी रिसर्च कर रहे हैं, तो लेट्स सी कि क्या हो सकता है। अभी वी कैन जस्ट प्रे फॉर द बेस्ट। हैविंग सेड दैट, आपको जैसे मैंने बताया है कि हर रोज 6 बजे डिफेंस करंट अफेयर आता है, डेली करंट अफेयर आता है, लेकिन आज मैं ये वीकली करंट अफेयर लाया हूँ। क्यों? क्योंकि आज है संडे, तो हर संडे वीकली करंट अफेयर आता है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज 12 बजे मैं इसी मतलब प्लेटफॉर्म पे, जो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ऐप के ऊपर एक संडे मॉक करवाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है वो संडे मॉक, और मैं 6 बजे लाइव आऊंगा यूट्यूब पर इसी का क्विज लेकर। तो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट सेशन, आई कैन श्योर यू, बहुत मजा आएगा, उसके अंदर भी बहुत कुछ आप गेन करेंगे। सो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर आप ज्वाइन कर लें। एंड जैसे कि मैंने बताया, आपको डिस्क्रिप्शन में बैच का लिंक दिख रहा होगा, उम्मीद बैच, उसको जरूर क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं। सो दैट्स मी आकाश चंदेव साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो वेरी मच। सेशन को मैक्सिमम शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा जो भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, एंड कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीकली करंट अफेयर की कवरेज। क्योंकि मैं क्लास में कोई मजाक नहीं करता, हंसी मजाक नहीं करता, अगर मैंने 50 मिनट पढ़ाया है तो मैंने आपको हार्डकोर करंट अफेयर पूरे हफ्ते का करवा दिया है। क्योंकि मुझे पता है आपके टाइम की कीमत क्या है, और मुझे पता है दैट यू ऑल आर द फ्यूचर ऑफिसर्स गोइंग टू सर्व आवर कंट्री। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट संडे एवरीवन। जय हिंद।